नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से रचा इतिहास एंड अपने ही रिकॉर्ड को किया ब्रेक। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा एक बार फिर से दिया है इंडिया को प्राउड करने का मोमेंट। क्या है पूरी बात बताऊंगी आपको इस वीडियो में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। मैं इसे लेकर आई हूँ आप सबके लिए नीरज चोपड़ा से जुड़ी एक अपडेट। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन थ्रो के अंदर, उसके बाद भी एक और लीग में पार्टिसिपेट करके वहां भी नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था एंड इंडिया को सेकंड मेडल दिलाया था। अब जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे नीरज चोपड़ा एक्सपेक्टेड थे कि वहां पर भी मेडल दिलाएंगे इंडिया को, लेकिन नीरज चोपड़ा को इंजरी हो गई थी एंड इसकी वजह से वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कमबैक किया है, बहुत दमदार कमबैक किया है। अभी चल रही थी लुसाने में डायमंड लीग जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करके टाइटल को अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है लुसाने डायमंड लीग के अंदर 89.08 मीटर का जेवलिन थ्रो करके टाइटल को अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा 89.08 का जेवलिन थ्रो कर बन चुके हैं लुसाने डायमंड लीग के अंदर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक से लेकर अभी तक इंडिया को बहुत से प्राउड करने के मोमेंट्स दिए हैं एंड एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया एंड एक बार फिर से अपने देश के लिए ग्लोरी लेकर आए। जब नीरज चोपड़ा से उनके इंटरव्यूज में पूछा जा रहा था कि आपने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लिया है आगे आप कैसे देखते हैं, तो उस टाइम भी नीरज चोपड़ा ने ये चीज बोली थी कि ये तो स्टार्टिंग है, मुझे अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है एंड वहां वहां नाम बनाना है जहां पे आज तक कोई नहीं बना पाया। कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा एंड द एंटायर इंडिया इज सो प्राउड ऑफ यू। आपके रिएक्शंस क्या है इस न्यूज को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।